हमने कभी भगवान को तो नहीं देखा, ना हमारे पूर्वज ने देखा, लेकिन हमने भगवान के रूप में नरेंद्र मोदी जी को देखा है। अरे कदे खत्म पैसा को आया नहीं, मोदी की सरकार में खत्म नाज का पैसा आवला। मोदी जी को लाना है, देश को बचाना है। तो ना जी, राहुल गांधी ने को जाने को जमींदार जानी ही, राहुल ने को जानी ने। और धर्मवीर मारा गांव में जी चार बार आ लिया, मतलब 12 महीना भीतर चार बार आ लिया गांव में। विपक्ष है कहाँ, मेरे को कोई बताए तो सर, विपक्ष है कहाँ, कांग्रेस है कहाँ, कौन सी कांग्रेस, आ ही नहीं रहे, सीट नहीं डिक्लेयर कर पा रहे सर। कौन बच्चे बेचारा कौन वोट देगा जिसका, अगर अब क्या कहते हैं दूल्हा ही जिसका ये नहीं पता है कौन बारात में कौन जाएगा, बताओ। हाँ नोसा है कौन, बारात किसकी चढ़ा या तो बता दो। और यहाँ नोसा भी आज सीना ठोके कहते घर में घुस के मारता है, मोदी मारता है, मोदी नहीं 142 करोड़ जनता की जन समर्थन मारता है, ठीक है। और यहाँ नोसा वीर, बराती वीर, बाप वीर, बेटा वीर, चाचा भी ताऊ सब तैयार है बीजेपी की। आवश्यकता नहीं है, जो भी बच्चे होशियार हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो मतलब अपनी योग्यता के अनुसार टेस्ट दे करके काबिलियत के अनुसार बड़े बड़े पदों पर आसीन है। ये लेकिन ये मोदी जी ने एक ऐसा काम किया जी, लाइन में ला के किसान जाता है, टोकन मिलता है, टोकन वगैरह गेहूँ लेते नहीं, ये कैसे काम किया मतलब जैसे जो मंडी में जाते, मंडी में जाते दिक्कत आती है, मंडी की गाड़ी को श्रृंगार हो गई इतने मेड़ो पार्टी। राजनीति जो है अभी काफी चर्चा में है, गांव डिग रोहता के अंदर हम एक बार फिर से मौजूद हैं। यहां पर आज न्यू वर्तमान सांसद चौधरी धर्मवीर जी का कार्यक्रम भी था और यहां हमारे साथ अभी बहुत सारे ग्रामीण जो है ना वो खड़े हैं, इन सभी से करते हैं बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी भाई साहब, जी भाई साहब, आज कैसा रहा कार्यक्रम? आपने देखा होगा कितना उत्साह, कितना भारी उत्साह मोदी जी के प्रति गांव डिग रोहता में आपको देखने को मिला है। और यही उत्साह हमने लगभग हर जगह गए हैं वहां देखा है। मोदी जी को लाना है, देश को बचाना है। अच्छा, एक सीधा सा सिंपल सा फंडा इन लोगों का कहना है, मोदी जी को लाना, देश बचाना। अच्छा, मोदी जी को नहीं लाए तो देश नहीं बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा सर। ये आपके पीछे देख रहे हैं कितने अच्छे अच्छे काम हमारे देश में हो रहे हैं, आम जनता बिल्कुल, हो सकता है जी जो औद्योगिक जो लोग हैं उन परेशानी उनको होती हो, कुछ एक लोग हैं गिने चुने लोग उनको परेशानी होती हो, लेकिन आम जनता बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मोदी जी का समर्थन कर रही है, हर गाँव में, हर गली में, हर मोहल्ले में। राहुल ने कोई जाने को ना जी, राहुल गांधी ने कोई जाने को, जमींदार जाने ही, राहुल ने कोई जाने ने। अच्छा, जमींदार ने जानी? हाँ, जमींदार ने जानी ही, राहुल ने कौन जानी। अच्छा, मोदी जबरदस्त जमींदारी के लिए बहुत जबरदस्त काम कर रहा है जी। अच्छा, सारे देखिए आप कितने भारी उत्साह, कितने लोगों में कितना उत्साह था, कम से कम यहाँ से 60-70 जो ट्रैक्टर से लोग लेके आए इस काम के टाइम, तो कितना उत्साह आप सोच के देखो, छोटे से किसान को कितना उत्साह उन लोगों के अंदर था। और धर्मवीर मारा गांव में जी चार बार आ लिया, मतलब 12 महीना भीतर चार बार आ लिया गांव में। अच्छा, और हर आदमी पूछा है, हाँ भाई के समस्या से गलियां को काम करवाए से, मतलब खेता में कुर्सी, मतलब बहुत बढ़िया काम करवा रहे हैं धर्मवीर जी। मतलब धर्मवीर जी बढ़िया काम करवा रहे हैं। हाँ, धर्मवीर जी मोदी को मोदी की प्लानिंग है। हाँ जी, किसको दे रहे हो वोट, कौन जीतेगा? मोदी जी जीतेंगे। अच्छा। और अगर देश को बचाना है तो मोदी जी को लाना है। दुश्मन जितने भी बाहर देश हैं, हमारे जो दुश्मन हैं, मोदी जी से ही बच सकते हैं, बाकी बचा नहीं सकता कोई। अच्छा, तो डिफेंस के लिए बढ़िया काम कर रखा है? डिफेंस के लिए बहुत बढ़िया काम कर रखा है, हमारे लद्दाख के अंदर एयरबेस बनाया जो सबसे ऊंचे स्थान के ऊपर है, ये मोदी जी का लेन। समझ गए। तो धर्मवीर जी के बारे में क्या कहेंगे, यहाँ कैसा क्या? भाई धर्मवीर मिलेगा नहीं मिलेगा? भाई धर्मवीर हमारे परिवार जैसा सच्चे है, हर गांव के बच्चे को ये दिल में भाई धर्मवीर बसता है। और मोदी जी तो हमारे आज के ज़माने में, हमने कभी भगवान को तो नहीं देखा, ना हमारे पूर्वज ने देखा, लेकिन हमने भगवान के रूप में नरेंद्र मोदी जी को देखा है। सबका साथ सबका विकास, हर गरीब माँ बहन जो पहले धुएं से परेशान होती थी, आज लाइटर जला के गैस पे रोटी बनाती है, गरीब को एक पाँच पैसे नगर नहीं लगते, थोड़ी बहुत बीमारी या बड़ी बीमारी होती है दवाई पानी फ्री मिलता है। समझे, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। भाई साहब ये तो किस्मत का धनी है धर्मवीर जी, तो इससे बढ़िया काम करवानी है ही कोई, इतना जबरदस्त आदमी है। हाँ जी, धनी तो वैसे भी है क्योंकि दो बार तो वैसे जीत लिए, तीसरी बार फिर जीतेगा, और जब तक लड़ेगा तब तक जीतेगा यहाँ से। और कहते हैं कि दूसरी जगह भी गए थे, वहाँ भी सोना वगैरह, सोना भी जाके जीत आया था ये तो जी, वो तो छोटे से अनजान उसमें गया था। अरे ये तो इसका देखा बाड़ा है जी, सबके जन जन एक एक आदमी से मिला हुआ आदमी है जी। वो अब यहाँ इनके प्रति ज्यादातर नाराजगी रहती है कि ये आते नहीं है, कम दर्शन देते हैं। गाँव में तो भाई साहब चार बार आया है। अच्छा, हाँ, एक साल में चार बार आ लिया आप गाँव में, और गाँव में जो ये काम थे जितना भी विकास देख रहे हैं आप, ये देखिए आप जिसके नीचे खड़े हैं ना, ये इन्हीं की देन है। अब ये आप इसको आप अपने कैमरामैन को कहें तो एक बार घुमा के इसको दिखाएं, ये इन्हीं की देन है, इन्हीं ने बनवाया ये गाँव के। तो जबरदस्त काम हमारे गाँव में जितने भी काम अब तक हुए हैं, जबरदस्त काम धर्मवीर जी के माध्यम से ही
गांव में काम कम्बल कम्बल दे के स्वागत करके गया पेड़ लगाने वाला ने जो पेड़ लगाने था उनने कम्बल दे के स्वागत करे सी धर्मवीर जी ने पूरा आके मतलब जी हमने स्वागत करे सी और मारे कदे खत्म पैसा को आया नहीं मोदी की सरकार में खत्म नाज का पैसा आने लगा घना आया 6000 मिलते हैं आपको किसान क्रेडिट कार्ड का MSP मिलती है हर चीज की गारंटी है गरीब आदमी को अनाज मिलता है फसल वाले है ना एक हफ्ता भीतर पैसा रहे लोगों के अच्छा मतलब सारे सेटिस्फाई हो आप लोग कुल मिला के सही है लेकिन ये मोदी जी ने एक ऐसा काम किया जी लाइन में लाके किसान जाता है टोकन मिलता है टोकन वगैरह गेहूं लेते नहीं ये कैसे काम किया मतलब जैसे जो मंडी में जाते मंडी में जाते दिक्कत आती है मंडी की दिक्कत भी सोल्व होनी चाहिए हाँ ये सोल्व होनी चाहिए बिल्कुल उसमें लाइन लग जाती है ट्रैक्टर से दूर दूर तक सुबह जाता है किसान शाम को 8 बजे बढ़ता है हाँ ये बताओ आप अच्छा तो ये समस्या दूर होनी चाहिए सही बात है जिले के अधिकारियों को और नेताओं को फोकस करना चाहिए करना चाहिए सही बात और कोई क्या कहना चाहिए कुछ हाँ जी हाँ जी बोलो आदर व सम्मान के योग्य पत्रकार मुद्दे जी हमारा गांव में जो चौधरी धर्मवीर जी हैं उनका शुरुआत से एक रिलेशन है अच्छा। लंबा रिलेशन जबकि BJP में बाद में गए ये एक ईमानदार नेता है इनके ऊपर इनकी छवि पर किसी प्रकार का कोई भी आज तक छवि इनकी धूमिल नहीं हुई है दूसरी बात यह है कि सबसे बड़े जो हमारे मोदी जी हैं देश के नेता इन्होंने देश के लिए जो काम किया है हमारा काम तभी माना जाता है जब देश के लिए कोई नेता काम करता है जब हमारे देश को आगे पहुंचाया गया है आज हमारे देश की विदेशों में जान है पहले हमारे देश को कांग्रेस सरकार में कोई नहीं जानता था न कोई बात को मानता था आज हमारे देश का जो बहुत ऊंचा नाम किया और हमारे जो हरियाणा प्रांत के अंदर आज जो बेरोजगारी थी उसके ऊपर हम पहले पीछे मंत्रियों के पीछे घूमते थे मंत्रियों की लिस्ट बनती थी लेकिन आज है किसी भी मंत्री के पीछे घूमने की आवश्यकता नहीं है जो भी बच्चे होशियार हैं इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो मतलब अपनी योग्यता के अनुसार टेस्ट दे करके काबिलियत के अनुसार बड़े बड़े पदों पर आसीन है आज ये BJP की देन है इसलिए हमारा पूरा प्रांत हरियाणा BJP के ऊपर भारी खुश है और हम सभी मिल करके BJP को इसी कारण से जिताएंगे क्योंकि ईमानदारी जो ईमानदार पार्टी आई है वो BJP है हरियाणा में तो मेन जो भी हरियाणा का भी एक योगदान है इसमें और मोदी जी ने जो देश सत्र के ऊपर जो काम किया है वो आज पूरे संसार के अंदर आज उल्लेखनीय है जहाँ भी इन्होंने गए हैं वहाँ पर इन्होंने जैसे आर्मी से संबंधित है हमारे हथियार हैं जैसे दूसरा देश आज हमारे मिसाइल है हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है जो कि लंबी दूरी की मिसाइल आज 13,000 किलोमीटर के लगभग की जो कि हमारा पूरा संसार उनकी जद में है आज हमारे देश के ऊपर कोई आँच नहीं आने वाली है कोई भी हमारे देश की तरफ नहीं देख सकता है सबसे बड़ी खुशी हमें हुआ है शमशेर जी अब मेरे गाँव में जब से ये सरकार आई थी BJP सरकार से पहले गिने चुने 2 या 3 बच्चे लगे थे और वो आप समझ ही गए कौन लगे होंगे जो भी थे वो बच्चे कौन लगे जिनकी सिफारिश थी उसके बाद में कम से कम अब मेरे गांव में 20 से 25 बच्चे तो लगे होंगे क्यों भाई अपने गांव के एक बच्चे की किसी की सिफारिश नहीं मैं भी था मैंने भी देखी है मैंने भी उसमें संघर्ष किया है मैं BJP का कार्यकर्ता रहा हूं और मुझे शुरू में दुख भी हुआ कि ये बच्चे लग रहे हैं लेकिन आज मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि जो बच्चे मेरे गांव में 25 बच्चे लगे हैं वो मेरे से काबिल बच्चे लगे हैं ना कि मेरे नीचे जिसको लिखना नहीं आता वो लग रहे हैं जिसको काम करना नहीं आता उस टाइम वो लग रहे हैं जिसकी सिफारिश थी लेकिन मेरे गाँव में जो 25 बच्चे लगे हैं वो मेरे से काबिल बच्चे लगे हैं सर ये तो पक्ष की बात होगी बात करें विपक्ष की कांग्रेस की और अन्य विपक्ष की तो क्या कहेंगे विपक्ष है कहाँ मेरे को कोई बताए तो सर विपक्ष है कहाँ कांग्रेस है कहाँ कौन सी कांग्रेस आ ही नहीं रही सीट नहीं डिक्लेयर कर पा रहे सर कौन बच्चे बेचारा कौन वोट देगा जिसका अगर अब क्या कहते हैं दूल्हा ही जिसका ये नहीं पता है कौन बारात में कौन जाएगा बताओ हाँ नोसा है कौन बारात किसकी चढ़ा या तो बता दो अरे यहाँ नोसा भीर बराती भीर बाप भीर बेटा भीर चाचा भी ताऊ सब तैयार है BJP के अंदर हाँ बिल्कुल टोटल तैयार है भाई साहब अच्छा तो मतलब विपक्ष तो है ही नहीं है ही नहीं कहीं हमारे गाँव में नजदीक कोई है ही नहीं विपक्ष के किसी के पास जाना तो हम आपके पास भाई साहब चले जाए पता चले भाई साहब शमशेर जी वहाँ बैठे मिलेंगे जाए किसके पास कोई वो कह रहा है मेरे पास टिकट नहीं आ रही वो कह रहा है मेरे को नहीं दे रहे वही लड़ मर रहे हैं यहाँ ये तो यहाँ की बात होगी बात करें शीर्ष नेतृत्व की तो जैसे ऊपर कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी एंड अदर्स के बारे में क्या भाई साहब है ही नहीं नाम लेना ही ठीक नहीं समझते हम तो उसका जैसा भी है भाई साहब वो अपनी जगह ठीक है नेतृत्व तो सबको पता है मोदी जी से अच्छा न कोई है और हमारे नजरिए में न कोई होगा जी राहुल गांधी तो जबरदस्ती कर रखी राहुल गांधी की बिल्कुल रुचि नहीं राजनीति में नहीं बेचारे को ज्ञान है सबसे बड़ी आदमी है लेकिन उसके दिमाग में ये राजनीति फिट नहीं बैठती इनको बिना काम गांधी परिवार का ठप्पा लगा के आगे किया जाता है बाकी उसकी कोई रुचि नहीं है ठीक है गांधी परिवार ने हमेशा इस देश पर
अल्पसंख्यकों की राजनीति की है, बाकी सर्वण कास्ट हो चाहे दलित हो चाहे कुछ भी हो, सबके वोट का गलत इस्तेमाल किया है। हमारे जवान कारगिल और सियाचिन के अंदर मरते रहते थे, खबरदार अगर किसी भी मुसलमान को हाथ लगाया, किसी भी उग्रवादी को हाथ लगाया, कोई मतलब नहीं, इनको तो अपने वोट की चिंता थी। हमारे 26/11 का हमला हुआ, क्या बोले हाथ अंदर कर लो वायुसेना के चीफ को, किस लिए, क्यों, उनको अपने मुसलमान वोट बैंक की चिंता थी। और आज सीना ठोक के कहते घर में घुस के मारता है, मोदी मारता है, मोदी नहीं 142 करोड़ जनता की जन समर्थन मारता है, ठीक है। हम पीओके कह रहे हैं, पीओके हमारा है और आने वाले 6 महीने के अंदर पीओके हमारा नहीं, बलूचिस्तान और कुर्दिस्तान भी हम लेके रहेंगे। अच्छा, आम आदमी की सोच देख लीजिए कहाँ तक है कि बलूचिस्तान की बात यहाँ पर की जा रही है, गाँव डिग रोता है कि इस मंच से, तो इतना जोश है मतलब मोदी जी को लेकर। बिल्कुल, मोदी हमारे भगवान, हमने भगवान को नहीं देखा लेकिन मोदी के रूप में हमने भगवान देखा है और है, कोई कह के दिखा दो, गरीबों के मसीहा हैं मोदी, बिल्कुल। चलिए, आज हम यहाँ पहुँचे थे गांव डी रोहता के अंदर और यहाँ पर हमने काफ़ी गांव वालों से बातचीत करी, कार्यक्रम यहाँ ख़त्म हो चुका और ये यहाँ अब ठंडा पी रहे हैं सभी साथी और तो ये विशेष बात ये है कि यहाँ अभी कार्यक्रम था वो कार्यक्रम हो चुका है और यहाँ हमने जो निवर्तमान सांसद चौधरी धर्मवीर जी हैं उनसे भी बातचीत करी, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, यहाँ के कार्यक्रम को भी हमने दिखाया और इस कड़ी में हमने यहाँ के ग्रामीण क्या सोचते हैं, किसको समर्थन दे रहे हैं, ये सब भी बताया। बाकी आप क्या सोचते हैं पूरे संसदीय क्षेत्र में कौन जीतेगा और कौन बनेगा प्रधानमंत्री, आप अपनी राय भी अवश्य दें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।